एक बार की बात है, एक गांव में तीन जवान दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त अमीर घराने के थे। उनमें से एक राजा का बेटा था, दूसरा मंत्री का बेटा और तीसरा अमीर व्यापारी का बेटा था। वो हमेशा साथ में ही रहते थे। वे सब बहुत आलसी थे, उन्हें पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उन लोगों के पिताजी ने उन सबको आखिरी चेतावनी दी थी कि अगर वो अपना आलसीपन नहीं दूर करेंगे तो उन्हें यहाँ बहुत दूर भेज दिया जाएगा। तीनों दोस्त इकट्ठा हुए और इस बारे में विचार किया। उनमें से मंत्री के बेटे ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें अपने पिताजी पर आभारी होना पड़ता है। अमीर व्यापारी के बेटे ने कहा, मैंने सुना है कि एक पहाड़ी के पीछे बहुत सारी जवाहरात है, चलो वहाँ चलते हैं। अगर हम ये खजाना पाने में सफल रहे तो हमें अपने पिताजी पर आभारी नहीं होना पड़ेगा। कहे अनुसार वो लोग पहाड़ी के पीछे गए और खजाना उन्हें मिल गया। लौटते समय उन्हें जंगल से ही गुजरना था। तभी मंत्री के बेटे ने कहा कि उस जंगल में चोर रहते हैं, वो हमें मार भी सकते हैं और हमारा कीमती जवाहरात लूट भी सकते हैं, हमें सावधानी से जाना होगा। तभी मंत्री के बेटे के पास एक विचार आया और उसने कहा कि जंगल जाने से पहले हम ये जवाहरात निगल जाएंगे। और उन सब ने जवाहरात निगल लिया और ये सब पेड़ के पीछे चोर ने देख लिया। अब आगे मैं क्या करूँगा ये जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगला वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, भूल के भी मिस मत करना। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और लाइक के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। बाय बाय बच्चों।